अरे हम अरे परम पावन परम आराध्य तथा स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीपति वंदना वंदे अरहं। वंदे गुरु परम वंदे सच्चौ सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को हमारा विशेष क्रम चलता है। मंजू जी शिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ती है और अलग अलग टॉपिक पर हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आज जो विषय इन्होंने लिया है बहुत ही शानदार विषय, महाप्राण ध्वनि कि ध्यान साधना में उपयोगिता क्या। महाप्राण ध्वनि क्या है हम सब जानते हैं। ध्यान शुरुआत में भी ध्वनि से ही ध्यान करते हैं और भी ध्यान महाप्राण ध्वनि के बारे में बहुत बार हमने बाप को बताया भी है। और विशेष रूप से बच्चों के लिए ये ध्वनि बहुत ही उपयोगी बताई गई, ज्ञानशाला के बच्चों में बच्चों के लिए। और जीवन विज्ञान का जो शिक्षा क्रम चल रहा है उसमें पाठ्यक्रम में इस ध्वनि को शामिल किया गया है। बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, बड़ों के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है और विशेष रूप से ध्यान साधना में इसका क्या महत्व बताया गया है, इस बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे। मंजू जी से चर्चा भी करेंगे ध्वनि के बारे में और ध्वनि का प्रयोग कैसे किया जाए, कितनी बार किया जाए, क्यों किया जाए। इन सब बातों में कोई भी आपकी जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो महाप्राण ध्वनि क्या है इसके बारे में मैं छोटी सी आप थोड़े थोड़े से मैं बता देता हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा खोज की गई एक बहुत ही एक विलक्षण ध्वनि, चमत्कारिक ध्वनि कह सकते हैं। ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी मैं मंजू जी शिपानी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस वीडियो में आपको मालूम होगा, पता आपको कि जो ध्वनि के प्रकंपन होते हैं वो किस तरह से हमारे मस्तिष्क को झंकृत करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ध्वनि का प्रकंपन जो होता है वो कैसे काम करता है। बहुत शानदार एक वीडियो मंजू जी ने मुझे भेजा था, मैं उसको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ।
तो अभी आपने वीडियो देखा, कुछ समझ में आया आपको? रेत के कण टेबल के ऊपर डाल करने के बाद धोनी के द्वारा किस तरह रेत के कण पूरे प्रकंपित होने लगते हैं और एक आकार, एक अलग अलग धोनी के द्वारा अलग अलग एक आकार ले लेते हैं। इसी तरह हमारे ये जो मस्तिष्क में जो प्रकंपन, वो किस तरह से प्रकंपित हो सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हो कि एक ध्वनि का क्या हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, कैसे असर करता है। तो मंजू जी, आप इस वीडियो के बारे में भी कुछ बताते हुए आगे आप कंटिन्यू करें। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। अभी आप सभी ने एक वीडियो देखा है ना। उस वीडियो में क्या दिखाया गया कि एक प्लेट जैसी है, उसके ऊपर पूरी मिट्टी बिखरी हुई थी। इरेगुलर वे में मिट्टी को बिखराया हुआ था, फिर उसमें ध्वनि के प्रकंपन दिए गए और उस मिट्टी ने कितना सुंदर आकार ले लिया। मिट्टी क्या है? पुद्गल है। और ध्वनि क्या है? एनर्जी है। एनर्जी, साउंड एनर्जी जो प्रकंपन के द्वारा गति करती है, प्रकंपनों में गति करती है वो। तो हम आज यहाँ महाप्राण ध्वनि की बात करने आए हैं। आज सभी जानते हैं महाप्राण ध्वनि कैसे करती है। एक भंवरे के समान रिदमेटिक गुंजन करती है, पूरी लयबद्धता के साथ। हमारे शरीर में भी पूरी ऊर्जा भरी हुई है, प्राण ऊर्जा हम जिसे कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में हर एक पार्ट में हमारे ऊर्जा भरी हुई है। और महाप्राण ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो हमारे पूरे शरीर को झंकृत करती है। शरीर के कण कण में प्राण है और महाप्राण ध्वनि को अगर व्यवस्थित रूप से करते हैं तो हमारे शरीर के समस्त भागों को वो प्रभावित करती है, और विशेष रूप से मस्तिष्क को। मस्तिष्क हमारा रिमोट कंट्रोल है, हमारा कमांडर, हमारे शरीर का कमांडर है। अगर हमारा मस्तिष्क व्यवस्थित है, उसमें चलने वाला प्राण का प्रवाह व्यवस्थित है, संतुलित है, पुष्ट है, तो क्या हमारी सारा व्यवहार सही नहीं होगा? हमारी सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी। तो ये जो महाप्राण ध्वनि है, इस ध्वनि को इसीलिए महाप्राण कहा गया कि ये समस्त शरीर के प्राण को व्यवस्थित करती है, संतुलित करती है, सक्रिय करती है। तो इसीलिए ये जो महाप्राण, और आज अगर हम ध्यान करना जाएं तो ध्यान करने के लिए क्या है, शरीर को भी स्थिर रखना है, तो वहां भी ऊर्जा का संतुलन अपेक्षित है। अगर ऊर्जा असंतुलित है तो हम स्थिर भी नहीं रह पाएंगे, शरीर में चंचलता बनी रहेगी। दूसरा, अगर हमारा माइंड स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, तो भी हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि महाप्राण ध्वनि को इतना महत्व दिया गया। ध्यान करने के पहले हम महाप्राण ध्वनि करते हैं ताकि हमारा शरीर, हमारा श्वास, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सब कुछ संतुलित हो जाए, शांत हो जाए, उसकी चंचलता नियंत्रित हो जाए। तो महाप्राण ध्वनि को जानने के पहले मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा प्राण के बारे में भी जानें। प्राण भी दो प्रकार के हैं, निश्चय प्राण और व्यवहारिक प्राण, द्रव्य प्राण, भाव प्राण। तो भाव प्राण हमारी चेतना। आज इस शरीर में अगर चेतना है, आत्मा है, तो ये शरीर सब कुछ कार्य कर सकता है। बाहर से ऊर्जा को ले सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है, उसे हजम कर सकता है, श्वास ले सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर शरीर में चेतना नहीं है तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। तो निश्चय प्राण और अगर भाव प्राण की बात करूं तो वो है हमारा चेतन तत्व, जो हमारे शरीर के स्तर पर काम करता है और हमारे शरीर को संचालित करता है। दूसरा है द्रव्य प्राण या व्यवहारिक प्राण, जिसे भी मैं कहूं। ये वो प्राण है जो इस लोक में चारों तरफ व्याप्त है, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में। हमारा ये शरीर क्या है? पदार्थमय ही है। और पदार्थ और ऊर्जा दो नहीं,
पदार्थ को संपूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को संपूर्ण रूप से पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। ये था आइंस्टाइन का लॉ और आइंस्टाइन के इसी नियम से एटम बम बने। एटम बम जो पदार्थ है लेकिन जब विस्फोट करते हैं तो पूरे ऊर्जा में बदल जाते हैं और ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा और तीव्र ऊर्जा जो पूरे संसार के अस्तित्व को मिटाने में सक्षम। तो हमारा जीवन भी है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि हम क्या करते हैं। हम बाहर से ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, उसका परिणमन करते हैं अपने अनुरूप, फिर उसे विसर्जित कर देते हैं। ये पदार्थ और ऊर्जा न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, केवल एक दूसरे में बदलते रहते हैं और ये संसार चलता है। ये संसार अनादिकाल से ऐसा ही था, है और रहेगा। न नष्ट होता है न ही इसका निर्माण होता है, केवल बदलता रहता है। कोई भी पदार्थ है, चाहे आत्मा है, चाहे पुद्गल है, चाहे जैन दर्शन में जो दूसरे तत्व बताए गए हैं, धर्मास्तिका या धर्म, ये कुछ भी न नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं, थे हैं और रहेंगे और केवल परिवर्तन होता है। तो वह हमारा जीवन कैसे चलता है, आप थोड़ा सा गौर करिए। हमारा शरीर क्या पदार्थ से बना है ना, हम क्या ले रहे हैं, भोजन पदार्थ, लेकिन वो भीतर जाके क्या कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है ना, वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हमारा शरीर गर्म हो रहा है, इट मीन्स भीतर हीट है ना। आपने देखा होगा ईसीजी करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी नर्व्स, हमारा हार्ट, सब कुछ, जितने भी नर्व हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। वो भी हम कोई बाहर का करंट का प्लग नहीं लगाया हुआ है हमारे शरीर में, चार्ज करते हो क्या, कोई प्लग नहीं है हमारे पास चार्ज करने के लिए, जैसे कि मोबाइल करते हैं। लेकिन भीतर में विद्युत है, हमारे शरीर में निर्मित हो रही है वो विद्युत। बाहर से हम ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, उन्हें दूसरी ऊर्जाओं में बदल देते हैं, फिर उस ऊर्जा को वापिस विसर्जित करते हैं। ध्वनि क्या है, ऊर्जा है। आपने बाहर से ध्वनि के साउंड के परमाणुओं को ग्रहण किया, या मैं कहूंगी कि भाषा पर्याप्ति के शब्दों को आपने ग्रहण किया, उनको अपने रूप बदला और फिर उनको वापस क्या कर दिया, विसर्जित कर दिया। जो बोल रहे हैं क्या है, साउंड एनर्जी है। तो ये शरीर, ये जीवन कुछ नहीं है, केवल ऊर्जाएं ग्रहण करते हैं, परिणमन करते हैं और विसर्जित करते हैं। इन्हीं ऊर्जाओं का ग्रहण, परिणमन और विसर्जन से ही ये हमारे जीवन के सारे कार्य होते हैं। ये शरीर एक मशीन है जो ये परिणमन का कार्य कर रहा है, ग्रहण, परिणमन और विसर्जन, और इसी से ये जीवन चल रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से यही जीवन है, ये शरीर एक मशीन। तो ये जो बाहर से हम प्राणों को ग्रहण कर रहे हैं, जो बाहर बिखरे हुए हैं प्राण ऊर्जा, हर तरह के पुद्गल बाहर बिखरे हुए हैं, कर्म के, भाषा के, मन के, शब्द, ध्वनि, हीट, लाइट, एनर्जी, ये सारी जो ऊर्जाएं बाहर बिखरी हुई है, इनको हम ग्रहण करते हैं, इनका परिणमन करते हैं, इनको विसर्जित करते हैं। तो ये ग्रहण करने की प्रक्रिया हमारे शरीर में, जिसको हम पर्याप्ति कहते हैं जैन दर्शन की भाषा में, हमारा शरीर क्या है, पर्याप्तियों का क्या है, स्थानी तो है, पर्याप्तियों का आधारित तो है, मशीनें ही तो हमारे शरीर में लगी हुई है। आंखें लाइट को ग्रहण कर रही है, कान शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, मुंह से हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो वापिस निकाल रहे हैं ध्वनि को। शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, हम श्वास के द्वारा बाहर की प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, वो प्राण ऊर्जा क्या कर रही है, हमारे भीतर इलेक्ट्रिसिटी को निर्मित कर रही है, उसको बनने में सहायता कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये प्राण, अब प्राण शरीर के भीतर जो है, चेतना का एक प्राण चल रहा है और दूसरा प्राण चल रहा है जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, विभिन्न प्रकार से, कानों से, आंखों से, जो इंद्रियों से कर रहे हैं, प्लस श्वास के द्वारा हम बाहर बाहर का प्राण ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो प्राण ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा देता है, हमारी इंद्रियों के विषयों को जानने में हमारी मदद करता है। तो ये और प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अनेक स्थानों पर कहा, हमारे स्वास्थ्य का राज है हमारे शरीर में प्राणों का संतुलन। अगर प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में संतुलित नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आयुर्वेद ने 5 प्रकार के प्राण बताए, उदान, अपान, व्यान, समान और प्राण। ये 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में है, अलग अलग स्थानों से नाम दे दिया गया। जैसे अपान नाभि के नीचे का,
नाभि से लेके हमारे छाती डायफ्राम तक के भाग का हो गया हमारा समान, कंठ से छाती से लेके कंठ ये हो गया हमारा प्राण, गर्दन से ऊपर का हो गया उदान, और समस्त शरीर में जो व्याप्त है हाथों में पैरों में समस्त शरीर में वो है हमारा व्यान। तो ये पांच प्रकार के जो प्राण है इनको संतुलित करना व्यवस्थित करना ये हम एक महाप्राण ध्वनि के द्वारा कर सकते हैं। महाप्राण ध्वनि जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो लगभग हमारे पूरे शरीर का प्राण प्रकंपित हो जाता है। इसको कैसे करना चाहिए इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग सभी जानते ही हैं, करते ही हैं महाप्राण ध्वनि। हम सहज जब करते हैं तो हम अपने आसन का चुनाव करते हैं, हम अपने गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी जरूरी है, बिल्कुल सीधी रहे, उसका टेढ़ा होना हमारा महाप्राण ध्वनि के लिए या कोई भी प्राणायाम आसन या योग की क्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हम नॉर्मली भी बैठे रहे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। तो महाप्राण ध्वनि करने के लिए क्या है, हम नॉर्मल पोस्चर में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहे, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, है ना, रिलैक्स रहते हैं। फिर धीरे धीरे हमें श्वास लेना है, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, श्वास, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के द्वारा ही हम प्राणायाम करते हैं। तो ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए आप सबको पता ही है कि श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है और छोड़ते हैं तो भीतर जाता है, और जितना श्वास मंद और रिदमेटिक लयबद्ध होगा उतना ही उतना हमारी शरीर की हर प्रक्रिया संतुलित रहेगी। जो भीतर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं पाचन की या ब्लड सर्कुलेशन की, नर्व्स की, ब्रेन की, जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हमारा किडनी फंक्शन चल रहा है, ये सारी क्रियाएं तभी तक सही, मतलब नॉर्मल चल रही हैं, बिल्कुल सही ढंग से चलेंगी सुचारू रूप से, अगर हमारा ब्रीदिंग सही है। ब्रीदिंग के साथ पूरे सिस्टम हमारे जुड़े हुए, और हमारा जो प्राणायाम है वो क्या है, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को ही सही करता है। ब्रीदिंग के द्वारा ही मैक्सिमम प्राण ऊर्जा का हम ग्रहण करते हैं। तो महाप्राण ध्वनि के लिए भी हम धीरे धीरे मंद श्वास लें, जितना हम इनटेक कर सकें श्वास और श्वास के साथ प्राण ऊर्जा। धीरे धीरे हमने प्राण ऊर्जा को लिया, पूरा अपने आप को भरा, और फिर हमिंग साउंड, भ्रमर के समान गुंजन करना। मुंह बंद रहना चाहिए, मुंह को खुला नहीं रखना है। अगर मुंह को खुला रखते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा हमारी बाहर निकल जाएगी, वो शरीर के भीतर सर्कुलेट नहीं करेगी। तो मुंह बंद रहना चाहिए, होंठ बंद, और धीरे धीरे केवल नाक से थोड़ी आवाज, कहते हैं नाक से करो लेकिन आवाज हमेशा गले से ही निकलती है, नाक का उपयोग लिया जाता है जस्ट। तो हम जो ध्वनि करते हैं भ्रमर के समान जो गुंजन, हमिंग साउंड, हमिंग साउंड धीरे धीरे लयबद्ध रूप से होनी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हम चाहेंगे कि एक दिन में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम नॉर्मल रिदमेटिक कर पाएंगे तो नहीं, लेकिन कुछ अगर वो उथली भी होती है, रिदमेटिक नहीं भी स्टार्टिंग में होती है, तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है हमारे शरीर पे, तो आप सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है महाप्राण ध्वनि। तो हम रिदमेटिक करें और धीरे धीरे जैसे जितनी जितनी लंबी होनी शुरू हो जाएगी उतना ही हमें ज्यादा फायदा मिलना शुरू होगा। तो धीरे धीरे हमिंग साउंड लयबद्ध रूप से अगर हम करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे शरीर का शक्ति केंद्र से लेकर ऊपर ज्ञान केंद्र तक पूरे जगह वाइब्रेशंस शुरू हो रहे हैं। तो ये जो हमारी, जैसे सीधी बैठने की बात क्यों, क्योंकि सुषुम्ना सीधी, हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर जो प्राण प्रवाह चल रहा है, सुषुम्ना जो हमारी सबसे मुख्य नाड़ी है, तो इस सुषुम्ना पे ही हमारे चैतन्य केंद्र स्थित है। जो मूल चैतन्य केंद्र या जिसे हम 7 या 9 चक्र हैं, उन सभी का स्थान कहाँ है, इसी सुषुम्ना पर, जो रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से लेकर ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान तक जो सीधी रेखा में प्राण का प्रवाह है, हमारी मूल नाड़ी सुषुम्ना है, उसी पे हमारे सारे चक्र या चैतन्य केंद्र स्थित। तो अगर हम
व्यवस्थित ढंग से महाप्राण ध्वनि करते हैं तो ये महाप्राण ध्वनि हमारी पूरी सुषुम्ना को झंकृत करती है, हमारा एक एक चैतन्य केंद्र इससे प्रभावित होता है, एक एक चैतन्य केंद्र को प्रकंपित करते हुए ये ध्वनि ऊपर मस्तिष्क की ओर जाती है। तो महाप्राण ध्वनि बहुत सरल है, बहुत सहज है, इसका निरंतर प्रयोग किया जाए तो ये गहरे ध्यान में हमें ले जाने के लिए सक्षम। तो मैं कुछ प्रयोग आज तरह तरह के हम कुछ प्रयोग करेंगे और प्रयोग करते हुए ही हम ध्यान में चले जाएंगे। तो पहले हम सहज रूप से महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं। सभी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें, जो जमीन पे नहीं बैठ पा रहे हो चेयर पे बैठ सकते हैं, बस ध्यान इतना रहे कि गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, कंधों को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। जो पैरों के नीचे आसन का प्रयोग अवश्य करें, जो कुर्सी पे बैठे हैं, दोनों पैर सीधे रहे, पैरों के बीच में 4-6 अंगुल का फासला, जितना आपको सुविधा पूर्वक बैठ सके। जो नीचे बैठे हैं वो ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में स्थित हो जाएं। आंखें बंद, अपने आप को बाहर के वातावरण से डिस्कनेक्ट। ब्रीदिंग को लयबद्ध करें, 5 तक गिनते हुए श्वास लें, 5 तक गिनते हुए छोड़ें। बिल्कुल ब्रीदिंग को रिदमेटिक करें, समताल लयबद्ध, प्रत्येक श्वास का लेना और छोड़ना बराबर हो। शांत, लयबद्ध, समताल श्वास, अपने भीतर शांति का अनुभव करें। शरीर को स्थिर रखेंगे, श्वास की लयबद्धता के साथ शरीर भी धीरे धीरे स्थिर होने लग जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा, केवल अपने आप में स्थिर, अपने आप पर केंद्रित रहे, अपने प्रति पूर्ण जागरूक, अपने द्वारा की जाने वाली हर प्रक्रिया को, क्रिया को सक्रियता से देखेंगे, अनुभव करेंगे, जागरूक रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। कोई जबरदस्ती न करें, जैसे ही श्वास पूरा निकल जाए बाहर आप ध्वनि बंद कर दें, पुनः श्वास भरें। श्वास भरेंगे, अब सभी अपना लेफ्ट हैंड नाभि पे रखेंगे और राइट हैंड अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे। आंखें बंद ही रहेंगी, अपने प्रति पूर्ण जागरूक। ध्वनि करते हुए जो मस्तिष्क में प्रकंपन होंगे उनका अनुभव करेंगे पूरी जागरूकता के साथ। श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा, इसका अनुभव लेफ्ट हैंड से करेंगे नाभि पर, छोड़ते हुए ध्वनि के प्रकंपनों को मस्तिष्क में अनुभव करेंगे। श्वास भरें।
सांस भरेंगे। श्वास भरें। शांत। दोनों हाथों को नीचे लें, मुद्रा में स्थापित कर लें। पूरी जागरूकता के साथ सभी श्वास भरेंगे। श्वास के साथ साथ पूरा नीचे शक्ति केंद्र तक श्वास को खींच के ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे उसी प्राण को सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर ज्ञान केंद्र तक ले जाएं। अगर ज्ञान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आनंद केंद्र तक, श्वास को आनंद केंद्र तक ले जाएं। ऊपर छोड़ते समय अनुभव करें, प्राण ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं सुषुम्ना में, और कोशिश करें पूरे ज्ञान केंद्र तक, मस्तिष्क तक प्राण जाए। तो पहले धीरे धीरे श्वास, पूरी जागरूकता से श्वास के साथ चित्त को जोड़ दें। श्वास भरेंगे और शक्ति केंद्र तक ले जाएंगे। भरें श्वास, छोड़ते हुए शक्ति केंद्र से ऊपर उठाएं, महाप्राण ध्वनि करें। पुनः ऊपर से नीचे श्वास भरें। ऊपर से नीचे श्वास भरें। ऊपर से नीचे नाक तक चित लाएं, श्वास भरें धीरे धीरे। शक्ति केंद्र तक आएं, श्वास छोड़े महाप्राण ध्वनि करें। चित्त को सुषुम्ना पे केंद्रित रखते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। सुषुम्ना के भीतर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अनुभव करें प्राण नीचे से ऊपर शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर जा रहा है। पूरी जागरूकता से सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। श्वास भरें, प्राण ऊर्जा को बाहर से खींचकर शक्ति केंद्र में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करें, प्राण ऊर्जा को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर ले जाएं। पूरी जागरूकता एकाग्रता, सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। पुनः श्वास भरें, इसी प्रक्रिया को दोहराएं। अनुभव करें प्राण शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर जा रहा है। सारे चैतन्य केंद्र जागृत हो रहे हैं, चेतना की शक्ति जागृत हो रही है। दोहराएं इसी क्रिया को दोहराते रहें। श्वास भरें, प्राण
प्राण ऊर्जा को खींचकर शक्ति केंद्र तक ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करें, प्राण ऊर्जा को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर ले जाएं। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, अब हम इसी प्रक्रिया को सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ करेंगे, अर्थात अंगूठों के द्वारा अपने कानों को बंद करें, आंखों पे अंगुली, दो उंगलियां होठों के ऊपर और नीचे, पूरी तन्मयता और जागरूकता इसी सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ वही सी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, प्राणों को खींचकर शक्ति केंद्र तक ले जाएंगे, महाप्राण ध्वनि के साथ प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करेंगे। तीन बार इस प्रक्रिया को करें। तीन बार करने के बाद अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वीत राग मुद्रा में स्थापित कर लें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, मानसिक संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। कायोत्सर्ग, शरीर की स्थिरता और शिथिलता को साधें। प्रतिमा की भांति अडोल रही, श्वास मंद
और मन, और मन, चित्त को प्राण केंद्र, नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करें। आते जाते हुए श्वास को देखें। केवल श्वास को देखें, आ रहा है, जा रहा है। श्वास के साथ चित्त को जोड़ें, श्वास के साथ साथ चित्त भी भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। चित्त रूपी दीपक से श्वास के पथ का अवलोकन करें, श्वास के मार्ग को चित्त के द्वारा पूरी जागरूकता से देखें, किस प्रकार श्वास एक एक कोशिका को छूता हुआ भीतर जा रहा है। नाक के भीतर से श्वास नली, फेफड़े एक-एक कोशिका तक गया। वही श्वास फेफड़ों में खून के साथ मिलकर शरीर के कण कण में पहुंच गए। श्वास के साथ जिस प्राण ऊर्जा को ग्रहण किया, वो प्राण ऊर्जा शरीर के कण कण में व्याप्त हो रही है। चित्त की जागरूकता बनाए रखें। श्वास के साथ प्राण ऊर्जा को ग्रहण किया, शरीर के भीतर उसका परिणमन हुआ, पुनः जैसे श्वास बाहर आया, पुनः ऊर्जा का विसर्जन हो गया।
पूरे शरीर में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करो। शरीर ऊर्जा से भर गया, कण कण में ऊर्जा भर गई, कण कण प्रकंपित हो रहा है। पूरी लयबद्धता के साथ अनुभव करें। पूरे शरीर में प्राण सक्रिय हो गया, संतुलित हो गया है। शरीर का कण कण ऊर्जावान हो गया। व्याधि आधि उपाधि सभी समाप्त। व्याधि है न आधि है ना ही उपाधि है, केवल समाधि, चित्त समाधि। गहरी शांति और आनंद का अनुभव। चित्त समाधि का अनुभव कर। शांत शांत शांत। दो तीन दीर्घ श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। वर्तमान में लौट आए। अपना सच में से जा मैं तिंग भूल सुन
सुख पाए। स्वयं सत्य खोजी सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विज्जा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें बंद रहेंगी, पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं कवज्जामि, सिद्धे शरणं कवज्जामि, साहू शरणं कवज्जामि, केवलीपणस्तं धम्मं शरणं कवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। कृतज्ञोष्मी। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं, दीक्षा प्रणेता के प्रति आभारी हैं। ओम शांति। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से महाप्राण ध्वनि हमारे ध्यान साधना में किस तरह उपयोगी हो सकती है, इसके बारे में प्रकाश डालते हुए आपने प्रयोग कराया बहुत ही शानदार तरीके से। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। ध्वनि करने से कितना हमारे जो मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स है किस तरह से प्रकंपित होते हैं, ये हमने सेशन की शुरुआत में ही छोटे से वीडियो के माध्यम से देखा। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप बता सकते हो। विशेष रूप से महाप्राण हमारे साथ कोई जीवन विज्ञान के ट्रेनर या ज्ञानशाला के प्रशिक्षक अगर जुड़े हैं तो महाप्राण ध्वनि के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी आमंत्रित है। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अलका जी को मैं आमंत्रित करूंगा पहले। अलका जी जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही? आ रही है। सबको जय जिनेन्द्र। सब फ्रेश हो गए? जय एकदम फ्रेश, यस एकदम यस, एनर्जेटिक, फ्रेश एंड सो नाइस। कितनी एक ध्वनि में कितनी पावर है मंजू जी ने, कितनी सहजता से, सरलता से हमें समझा दी और प्रयोग भी करवाया। तो ये महाप्राण ध्वनि तो बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। भ्रामरी के रूप में बाकी सभी संस्थाओं में किया जाता है, उन्होंने बताया भी था, इसे भ्रामरी भी कहते हैं। मुझे याद है योग विद्या धाम में इस पर बहुत क्लासेस चलती थी और एक प्रयोग करते थे, वो मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। ऐसे कहते थे कि भ्रमर है, ये भ्रमर की ध्वनि है, वो फूल के बाजू में घूमता है परंतु वो फूल से दूर भी जाता है, फूल के पास भी आता है, तो यह ध्वनि कैसे चेंज हो जाएगी। इस तरह उस ध्वनि को ऐसे किया जाता था। एक बार में करके बताती हूँ, अभी मुझे याद नहीं है, फिर भी एक बार मैं ट्राई करती हूँ। सुख पाए आवाज ध्वनि की आती है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आवाज कभी कभी कट कट के आती है। ध्वनि क्या है, महाप्राण हाँ ध्वनि जब करते हैं होंठ अगर बंद हो जाते हैं ना तो आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है। हाँ रिकॉर्ड नहीं होती है वो आवाज, और क्लियर भी नहीं आती है। तो इस प्रकार जो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग इंटरेस्टिंग है, उतना भी सहज है और इफेक्टिव ज्यादा है।
तो हो सके तो अपने घर में बच्चे उनके साथ करो, सबसे बड़ी बात है बच्चों के साथ। बच्चों को बहुत मजा आता है और बच्चे बच्चे एकदम खुश होके करते, एंजॉय करते, करते रहते, कुछ भी करते रहते। तो सभी इसका प्रयोग खुद भी करें, सबको कराए, और जितना हो सके उतना खुद कर प्रयोग करना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत ध्यान में बढ़िया जाने के बहुत लिए बढ़िया। ज्योतिष जैसे बताया। तो सभी के लिए बहुत ओम अरहम जुड़ने के ओम लिए, अरहम। और आप अपने ओपिनियन और फीडबैक बता सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ मधु जी ने एंड्राइज किया हुआ है पहले। मैं मधु जी को, मधु जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मधु जी ओम अरहम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? पहले जी आ रही है। तो मैं सर्वप्रथम मंजू जी को धन्यवाद करूंगी कि बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें प्रयोग करवाया। और मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, 90, 88, 87, पर जब महाप्राण ध्वनि करते हैं उसके बाद मैं चेक करती हूँ तो वो 95, 96 तक होता है। मुझे इसका फायदा बहुत पता है, और हम लोग बीच बीच में कभी कभी भंवरे की गूंजन से, पर आज जो ध्यान के साधना के साथ इन्होंने करवाया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओम अरहम। तो मैं उमर, कनक गोलसा ने एंड्राइज किया हुआ है। कनक गोलसा जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं त्रिवेणी संगम का बहुत बहुत आभार और जय जिनेंद्र कहती हूँ, और सब और मंजू जी का तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हर बार नए प्रयोग से हमें प्रेरित करते रहने के लिए, और प्रयोग महाप्राण ध्वनि का मैं स्वयं प्रयोग करवाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सांसों में थोड़ी तकलीफ भी रहती है तो मैं विशेष करके वहां पे खुद ये प्रयोग करवाती हूँ। और आज का प्रयोग मुझे, जैसे मेरे ध्यान में मेरा पूरा शरीर स्थिर नहीं रहता है, मैं पीछे की तरफ बेंड हो जाती हूँ। तो मैं ज्यादा इसको 9 बार मैं घर में करती हूँ, डेली मेरा ये रूटीन है और मैं इसके करना चाहती हूँ। और मुझे आज का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा लगा कि वो स्टेप बाय स्टेप करवाई आपने, तो मुझे थोड़ा सा इजी फीलिंग हुआ इससे। तो बहुत बहुत ओम आभार मंजू जी के प्रति, और आगे इसी प्रकार आप हमें करवाते रहे, बहुत बहुत कृतज्ञता। सीमा बोथरा। सीमा बोथरा सेठिया बंगाल से। मंजू जी जय जिनेंद्र। सबसे पहले बहुत मैंने बात जुड़ी हूँ, मैंने खुद के तकलीफ रहती है पाँव में, ठीक है वो सब बाद में बात करूंगी। आपका प्रयोग तो मैं लास्ट में जुड़ी, थोड़ा लेट ही जुड़ी, लेकिन मैं एक चीज इसमें क्लियर करना चाहती हूँ कि एक ओम की ध्वनि में भी भंवरे की जैसे गुंजन होती है, और ये अपने महाप्राण ध्वनि में भी वो भंवरे की गुंजन ही होती है, पर दोनों में कुछ फर्क है, पर क्या लाभ दोनों के एक ही है? देखिए, अगर मैं कहूँ महाप्राण ध्वनि साइलेंट ओम है तो गलत नहीं है ये बात, है ना। हम ओम में भी उसी तरह की साउंड आती है। ओम में ये है कि जैसे शब्द आ गया बाहर, ओम, मुंह खुलता है हमारा, पर महाप्राण ध्वनि साइलेंट ओम है, ये मैं कह सकती हूँ, जस्ट ध्वनि है, शब्द नहीं है, यही फर्क है। लेकिन लगभग मेरा ऐसा अनुभव है कि लगभग लाभ बराबर ही है दोनों के, कम नहीं है महाप्राण ध्वनि। एक्चुअली एक्चुअली दोनों में थोड़ा फर्क है मंजू जी। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें 3 शब्द आते हैं ना, अ उ म, ओ, तो इनके नहीं बिल्कुल वाइब्रेशंस शब्द होते वाला हैं, फर्क वो वाइब्रेशंस वो अ से शुरू होते हैं तो नाभि पे आते हैं, उ से शुरू होते हैं तो कंठ में आते हैं, और म से शुरू होते हैं तो मस्तिष्क में आते हैं। तो इस प्रकार के ये जो वाइब्रेशन ही है डिफरेंट एक प्रकार का, और ओंकार को है। कहा गया है कि एक अक्षर ब्रह्म है, मतलब हाँ इतनी ताकत है इसमें कि पूरे विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो ओंकार में है ही नहीं। ओंकार की बात छेड़ी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओम अरहम। पर इसमें वाइब्रेशन दोनों के साइड सेम है, मेरे को जहां तक नॉलेज है कि दोनों का वाइब्रेशन का इफेक्ट देखिए, सेम है। ओम एक उसमें क्या होता है, मंत्र एंड में म होता है, एंड में बंद होते है। हुए, विकास जी ठीक है। ने इसी तरह से एंड्राइज आपने किया हुआ। उनको विकास छोड़ जी दे, को ले लेता हूँ, उसके उधर बाद बैठती हूँ, आप उनकी ओर चलेंगे। विकास जी चलो नींद बैठिए, से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोल के बैठ, दरवाजा लाइट और बहुत बहुत बोला धन्यवाद गुरु जी प्रणाम आपको। पूरा प्रोटोकॉल मैं चेन्नई से लाइट विकास, चालू थी दोनों। और मैडम ने जैसा आज प्रयोग करवाया है तो इसमें अब जैसे एक डिस्कशन सा हो गया है कि भाई ओम और महा, लेकिन ओम और महाप्राण ध्वनि देखिए मूल रूप से दोनों में जो अंतर है वो अंतर तो रहेगा, लेकिन दोनों की एक विशेषता बड़ी जबरदस्त है कि ये समझ लीजिए कि शरीर पर मन पर,
इतना जबरदस्त इफेक्ट है इसका कि शरीर के और खत्म मन के रोगों को ठीक करने के करने लिए मैं की तो जा जबरदस्त क्षमता रखता है। और यहाँ तक कि शरीर की नाड़ियों में समझ लीजिए जैसे ब्लड क्लॉट्स हैं, जो भी अवरोध हैं, उन्हें ओम और महाप्राण ध्वनि दोनों ही समाप्त कर दे। तो कहने का मतलब शरीर और मन पर इसका जो प्रभाव है वो जबरदस्त है, वो रहेगा, मगर दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं और मूल रूप से दोनों में थोड़ा अंतर तो है, इसमें कोई डाउट जी। ही नहीं। तो ओम आराम। तो ध्वनि आज का मैडम तो से मैडम इफेक्ट कैसे से होता बहुत है, ये तो हमने आज के सेशन की शुरुआत में जो 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो हमने देखा, उस वीडियो में जी हमने देखा किस तरह से मिट्टी के कण उछलने लगते हैं ध्वनि के द्वारा, और उसमें गति अपने आप आ जाती है और एक शेप में आ जाते हैं उस एक ध्वनि के द्वारा। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स है वो भी एकदम पूरे से जब ध्वनि करते हैं तो ध्वनि के द्वारा कैसे जंपित हो सकते हैं, इस बारे में हम आगे भी बता चुके हैं आपको। एक वीडियो भी बिल्कुल मैंने बनाया था, आपने देखा होगा, महाप्राण ध्वनि के ऊपर, और उस वीडियो में मस्तिष्क के जो हमारे पौष्टिक कोष्ठक है उसके अंदर किस तरह से प्रकंपन होते हैं और वह क्या इफेक्ट होता है। मैं आज उस वीडियो को भी लगे तो मैं शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा, जरूर ये जो सर देखिएगा डस्ट पार्टिकल का इफेक्ट है, ये जी। डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मतलब प्रयोग किया है, और YouTube पे इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस देखने को मिल ही जी ठीक जाएंगे। है, ओम तो ये आराम। मतलब तो अभी जी समय संपन्न हो रहा है जो आज आज जो सुषुम्ना के थ्रू जो करवाया ना महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, वो एक बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक यूनिक था वो। ओम आराम। तो समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव हम सब गुरुदेव के आभारी। के कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आभार ओम आराम। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत सब बहुत मंगल जी आभार। के आभारी है। सुचेता जी स्लोगन आप बोल दीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत सुंदर सेशन आज का मंजू जी, सही में। जी और इंद्रियों का जो हम करते हैं तो ज्यादा वाइब्रेशन हो जाता है उसमें। बहुत फिटनेस का सुंदर। डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस फिटनेस का फिटनेस डोज का एक डोज 1 घंटा घंटा रोज फिटनेस रोज का डोज एक घंटा रोज